हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी सॉल्यूशंस। मैं अविनाश त्रिपाठी आज आपके सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूंगा, जो आपको ये भी चैप्टर आपको 20 मार्क्स का वेटेज दिला सकता है अप्रोक्सीमेट। आप मेरा वीडियो देखिएगा, एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके जिसमें हर एक चैप्टर का वेटेज और वो कौन से क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि हमारा ब्लूप्रिंट होता है वैसा एक मैंने प्रिपेयर किया है, तो उसको रेफर करके आप ला सकते हैं। तो मैं अभी आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में सेकेंड इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूंगा, जो कि रेसिड्यू है। रेसिड्यू ये चैप्टर, जैसे आपको मालूम है कि इसमें कुछ बेसिक्स टाइप है जिनको हमको समझ के करना पड़ता है। तो मैं एक आपको टाइप का ओवरव्यू दूंगा कि आप हमें कैसे करना है, उस टाइप को कैसे सॉल्व करना है। हम उस टाइप का अपना ओवरव्यू लेते हैं कि हमें कैसे टाइप सॉल्व करने का है, फिर हम उसके एक एक टाइप के कैसे देखेंगे कि उसके सम कैसे सॉल्व है। तो एक ओवरव्यू लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइप कितने टाइप का है। टाइप का ओवरव्यू लेने से पहले एक चीज जानना जरूरी है, जो कि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे टाइप है कितने। तो हमारे टाइप है टोटल 5। फर्स्ट टाइप बेस्ड ऑन पोल, सेकंड टाइप बेस्ड ऑन ऑर्डर, मतलब कितना पोल का ऑर्डर है, सेकंड टाइप उस पर बेस्ड है। जो थर्ड टाइप है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, जो कॉची जो थे इन्वेंटर, उन्होंने उनके बेस्ड कंसिडर करके, मैथमेटिशियन जो कॉची थे उनको उनका एक थियरम है। वो एक हमारा टाइप 3 है। जो टाइप 4 है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर लिमिट दी है तो कैसे वो सॉल्व करना है वो है। जो फिफ्थ टाइप है उसमें 3 टाइप और है, 3 सब टाइप्स है, जो कि एक फंक्शन पे बेस्ड है जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा होगा। जो सेकेंड है वो पॉलिनॉमियल बेस्ड है, और जो थर्ड है वो कॉस अपॉन फाई एम एक्स, फाई एक्स अपॉन साइन एम एक्स अपॉन फाई एक्स, ऐसे मतलब कॉस अपॉन पॉलिनॉमियल या साइन अपॉन पॉलिनॉमियल ऐसे टाइप के होंगे। तो अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा इस टाइप के बारे में। तो ये टाइप 1, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये पोल के बारे में, सम बेस्ड ऑन पोल। जो टाइप 2 है वो सम बेस्ड ऑन पोल ऑफ एन ऑर्डर। जो टाइप 3 है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। जो टाइप 4 है वो सम बेस्ड ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। जो टाइप 5 है इसमें जो फर्स्ट टाइप है सब टाइप है वो है सम बेस्ड ऑन कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब फंक्शन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। जो सेकंड टाइप है वो फंक्शन बेस्ड ऑन पॉलिनॉमियल, और जो थर्ड टाइप है वह है कॉस एम एक्स अपॉन फाइव एक्स और साइन एम एक्स अपॉन फाइव एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ पर 0 to 2π। तो अब हम रेसिड्यू का ओवरव्यू लेंगे कि हमें टाइप 1 कैसे सॉल्व करना है। तो सम बेस्ड ऑन पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हमें डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया रहेगा उसको इक्वेट डिनोमिनेटर टू पोल 0। तो हम डिनोमिनेटर को पोल 0 से इक्वेट कर देंगे, फिर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज पोल, और फाइंड रेसिड्यू और एट ईच पोल, और हमें एक एक पोल के निकालने का है। अगर ऑर्डर वन के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया है रेसिड्यू फाइंड करने के लिए कि लिमिट जेड टेंड्स टू पोल, मतलब जो वैल्यू की पोल दी रहेगी वो जेड माइनस पोल और एफ जेड जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो, और पोल मतलब रूट ही होता है जो हमने रूट कैलकुलेट किया है डिनोमिनेटर से, वो हमें ऐसे एक एक बार सब्स्टिट्यूट करना होगा और उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस तरह से हम टाइप 1 में रेसिड्यू निकालेंगे। अब सेकंड टाइप में क्या करना है कि सम बेस्ड ऑन पोल ऑफ एन ऑर्डर। अब पहले इसमें नोट देखते हैं कि क्या है कि इफ एनी इक्वेशन इज गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा बीटा आर रूट्स, मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा दो वैल्यू आती है वो रूट्स है। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। तो जो ये ए है ये कोएफिशिएंट है जो यहाँ पे ये इस पे टर्म पे बेस्ड है, और ये जो अल्फा वैल्यू होगी जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, तो इसको कंसिडर करके हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे
ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको हमें याद रखना है, इसके बेस्ड हमें इस सम्स करने पड़ेंगे। तो अब इसमें दो टाइप है, अब ये कैसे दो टाइप है कि पहले हमें जैसे फाइंड करना है कि पोल्स निकालना है, तो इक्वेट डिनोमिनेटर टू जीरो और फिर हमें जेड की वैल्यू मिलेंगी वो पोल्स होगी। अब एन ऑर्डर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 1/(n-1)^(1) लिमिट लिमिट जेड टेंड्स टू पोल, फिर d^(n-1)/dz^(n-1) (n+1)। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं कि 1/(n-1)^(1) मतलब लिमिट के पहले 1/(n-1)^(1), लिमिट के बाद डेरिवेटिव d/dz, ये याद रखने का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ऊपर n-1 नीचे n+1, और सेम एज type 1, जैसा कि हमने z-pole into fz किया, यहाँ पे भी z-pole (raise to n)(fz)। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि रेस टू एन है यहाँ पे और यहाँ पर सिर्फ वो है। ये फॉर्मूला को हम सब्सिट्यूट करने के बाद हमें मिल जाएगा। तो अब ये दोनों टाइप के बेस्ड हम ये दोनों टाइप के बेस्ड एक सम देखेंगे। ये एक सम है जो type 1 पे डिपेंडेड है कि fz=(2/(z-1)(z-2)। यहाँ पर हमने z-1, z-2 को (=0) इक्वेट किया, तो हमें z-1 = 0 और z-2 = 0 मिला, जिससे हमें z की वैल्यू 1 और 2 रिस्पेक्टिवली मिली। अब हमें रेसिड्यू एट z = 1 फाइंड करना है, मतलब एक एक वैल्यू पे हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो लिमिट z टेंड्स टू पोल, मतलब यहाँ 1, यहाँ पर पोल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ z टेंड्स टू पोल (z-pole)(f(z)। ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, ये सॉल्व करने के बाद हमें -2 आई। अब यहाँ पर वैल्यू कैंसिल हुई, z-1, z-1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2/(-1)=-2। अब यहाँ पे हम z = 2 पे फाइंड करेंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू पोल (z-pole)(2)। फुल क्वेश्चन हमें सॉल्व किया तो हमें रेसिड्यू 2 वैल्यू मिली। अब एक type 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि fz = sin π(z²) + cos π(z²)/(z-1)(z-2)2। तो हमने पहले डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट किया कि z-1 = 0, z = 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, और z-2 = 0, z-2 = 0, z = 2,2, z इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब रेसिड्यू हमें निकालना है 1 पे, पहले 1 पे निकालना है, तो जेड रेसिड्यू एट 1, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ पर ऑर्डर 1 है, इसलिए ऑर्डर 1 का फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई किया कि लिमिट z टेंड्स टू पोल (z-pole)(f(z)। इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अब यहाँ पर z-1, z-1 कैंसिल होता है, जैसे हमने देख हमें पता है कि जब हमें लिमिट में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कुछ कैंसिल होता है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर हमने z-1 कैंसिल किया, तो यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो (sin π + cos π)/1। यहाँ पर जेड की वैल्यू 1, 1, 1 - 2 - 1 - 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर (sin π + cos π) - 1 मिला। अब हमें रेसिड्यू एट z = 2 निकालना है, जो सेकेंड ऑर्डर का पोल है। तो हमने फॉर्मूला लगाया 1/(n-1)^(लिमिट z टेंड्स टू पोल, डेरिवेटिव d/dz^(n+1)/(n-1)। मतलब हमें अगर फर्स्ट निकालना है, तो z-2 होल स्क्वायर (z)(n-1)। ये याद रखना है, n की वैल्यू वहां पर चेंज होती रहती है कि कौन सा ऑर्डर पे हमें निकालना है, (f(z)। अब लिमिट z टेंड्स टू 2 d/dz (1)(1)/(1) ही हो गया, तो (d/dz)(sin π(z²) + (cos π(z²)/(z-1)। इसको हमने सॉल्व किया, लिमिट z टेंड्स टू 2 डालने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, z-1 cos π(z²) × 2π(z), इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, u - v के फॉर्म की वजह से, तो हमें ये वैल्यू मिली कि v/(u - u)/(v)/(v)². ये हमको पुट करने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू मिली (4π - 1)।
तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल। अब हम अपने थर्ड टाइप की तरफ जाएं। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड है, कि जो कि ये एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत टाइम रिपीटेड होता है। तो हमें कैसे करना है इसका हम स्टेप देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि इक्वेट डिनोमिनेटर टू जीरो एंड कैलकुलेट पोल एंड इट्स ऑर्डर, जैसे कि हमने टाइप वन टाइप टू दोनों में देखा। अब सब्सिट्यूट जेड टू एक्स प्लस वाई। अब ये कंडीशनल है फॉर गेटिंग पॉइंट्स फॉर सर्कल। अब अगर हमें पॉइंट्स चाहिए तो हम सर्कल की, अगर हमें कोई सर्कल के ऊपर सम है तो हमें उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करने की, वहां पर पॉइंट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हमें एक्स प्लस आई वाई की जरूरत पड़ेगी हमें सब्सिट्यूट करने के लिए। अब ये पॉइंट्स मिलने के बाद, हमें यहाँ से पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट्स मिलने के बाद हमें चेक करना है कि ये सर्कल के अंदर या फिर बाहर कहाँ लाए करते हैं। और अगर बाहर लाए करते तो उन्हें एनालिटिक करके स्किप कर देना है, और अगर ये अंदर लाए करते तो इन्हें कैलकुलेट करना है। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों पे पोल निकालना है। अब हमें लास्ट में ये ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही रेसिड्यू ने ये एक वो एक स्टेप दिया था जो उनका फाइनल एनालिसिस था, वो था कि फंक्शन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा इक्वल्स टू 2πi टाइम्स जो रेसिड्यू रहेगा उनका सम रहेगा। तो ये रेसिड्यू की वो बेस सम था। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जो हमें, जिससे हमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इस कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम की बेस्ड क्वेश्चन है कि z माइनस वन अपॉन z प्लस वन का स्क्वायर z माइनस टू वेदर c इज द सर्कल ऑफ z माइनस आई इक्वल्स टू टू। तो f ऑफ z z माइनस वन अपॉन z प्लस वन स्क्वायर इंटू z माइनस टू। अब फंक्शन है पोल एट z इक्वल्स टू माइनस वन ऑफ ऑर्डर टू, z इक्वल्स टू टू ऑफ ऑर्डर वन। अब जैसे कि हमें यहां पर दिया गया है कि z माइनस आई इक्वल्स टू टू, तो z माइनस आई इक्वल्स टू टू। अब हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, जैसे कि ये सर्कल बोला है वेयर c इज द सर्कल z माइनस आई इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर सिर्फ सर्कल का वैल्यू दिया है, तो सर्कल लाए कहाँ कर रहे हैं, उसका सेंटर कहाँ आ रहा है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे x प्लस आई वाई माइनस आई इक्वल्स टू टू लिया। फिर हमें यहाँ x प्लस आई वाई माइनस वन इक्वल्स टू टू लेने के बाद हमने चेक किया कि यहाँ पर हमें पोल क्या मिल रहा है, जीरो क्या मिल रहा है। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, जैसे कि x माइनस एच और y माइनस के, ये होता है। तो यहाँ पर x माइनस एच, यहाँ पर तो कोई टर्म ही नहीं है तो यहाँ जीरो होगा, और y माइनस के, तो y माइनस के तो यहाँ पर वन होगा, h माइनस के y माइनस के, तो यहाँ पर y माइनस वन, तो यहाँ पर k की वैल्यू वन हुई, तो यहाँ पर जीरो कॉमा वन। अब रेडियस इक्वल्स टू टू हमें दिया है कि रेडियस की वैल्यू टू है, तो z माइनस आई इक्वल्स टू टू इज अ सर्कल विद सेंटर जीरो कॉमा वन एंड रेडियस इक्वल्स टू टू। तो ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो z इक्वल्स टू टू इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब जैसे कि हमें पता है कि z इक्वल्स टू टू है, तो z इक्वल्स टू टू सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, और देयरफॉर रेसिड्यू इक्वल्स टू रेसिड्यू एट टू इक्वल्स जीरो। तो अब रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस वन कैलकुलेट करेंगे हम। तो हम जैसे कि ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, तो इधर वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू माइनस वन डी अपॉन डी जेड 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 प्लस वन द होल स्क्वायर जेड माइनस वन जेड प्लस वन द होल स्क्वायर जेड माइनस टू। तो जेड माइनस जेड प्लस वन द होल स्क्वायर जेड प्लस वन द होल स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट जेड यहाँ पर एन की वैल्यू वन है, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया। एन की वैल्यू यहाँ टू है, टू वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पर वन हो गया, तो वो एलिमिनेट हो गया। तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डी अपॉन डी जेड जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू। अब यू अपॉन वी के फॉर्मूले से हमें ये आंसर मिला माइनस वन अपॉन नाइन। अब इसे हम कॉची के थियरम से में सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि है फाई एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू टू पाई आई जीरो माइनस वन अपॉन नाइन। तो उनकी वैल्यू माइनस टू पाई आई अपॉन नाइन हो गई। तो ये था हमारा टाइप थ्री, जो कि कॉची थियरम पे बेस्ड था। अब हम अपने टाइप फोर की तरफ जाएंगे।
टाइप फोर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे बेस्ड है। अब इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि हमें एक सेमी सर्कल कंसिडर करना है। तो सेमी सर्कल अब कंसिडर कर लिया हमने, तो उसकी एक्स एक्सिस को हमें रियल एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगी, उसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंसिडर करना है, और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगी, तो प्लस आई वाई और माइनस आई वाई को कंसिडर करना है। सिलेक्ट करेक्ट पार्ट ऑफ सेमी सर्कल। अब सेकेंड स्टेप जो है वो है कि हमें कौन सा पार्ट सेमी सर्कल का सिलेक्ट करना है। तो ऐसा ही एक अजम्पशन है कि कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर मोस्टली आप अपर पार्ट यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, कि अपर पार्ट यूज करें तो ज़्यादा अच्छे से आंसर आने का चांसेस है और एक्यूरेट आने का चांसेस है। सो अब एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसे ट्रैवल कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद हम वो पॉइंट्स ढूंढेंगे, जैसे कि हमने टाइप थ्री में ढूंढा था कि फाइंड रेसिड्यू ऑफ इनर पॉइंट एज आउटर पॉइंट इज जीरो। फिर हम एक एक पे रेसिड्यू निकालेंगे, और कॉची की थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू, ये अप्लाई करके हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कैलकुलेट करना है। अब इसके बेस्ड हम एक एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dz। अब पहले हमें कि कंसिडर अ लार्ज सेमी सर्कल लाइंग इन द अपर हाफ ऑफ द प्लेन विद डायमीटर ऑन रियल एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमने इसमें z z प्लस z² प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और z² इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर z इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आई का हम कंसिडर करेंगे, z इक्वल्स टू ए आई कॉमा माइनस ए आई, हमें ये इमेजिनरी टर्म्स मिले। अब z² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो z² इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी आई, तो ए आई माइनस ए आई बी आई माइनस बी आई। अब जैसे कि हमको पता है कि सिंस z इज इक्वल्स टू माइनस ए आई एंड माइनस बी आई लाइंग आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर रेसिड्यू एट बोथ पोल्स आर जीरो, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू ए आई। अब जैसे कि माइनस के टर्म को हमने ऊपर वाला टर्म ही कंसिडर किया है, नीचे का टर्म कंसिडर किया ही नहीं, नीचे का सेमी सर्कल कंसिडर किया ही नहीं है, तो ये दो टर्म तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पर तो जीरो हो गया। तो इसके लिए रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू ए आई हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर पोल है, उसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ए इक्वल्स टू 2i इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, और रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू बी आई वो भी एक ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पोल है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें बी अपॉन 2i बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला। अब हमें कॉची के इस थियरम को अप्लाई करना है, जो कि क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू है, तो अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई आई ए 2i इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2i बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म में लेके आएंगे कि पाई अपॉन ए प्लस बी। सो ये हमारा हो गया टाइप फोर, जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे बेस्ड है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, जो कि टाइप फाइव है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, और इसमें हमें हमेशा यूनिट सर्कल कंसिडर करना है, और ये फंक्शन का सम है जो कि कॉस टीटा और साइन टीटा में मोस्टली आता है, कि जब लिमिट दिया रहा है 0 to 2 पाए और रेसिड्यू फाइंड करना बोला, तो समझ लीजिएगा कि ये इसी टाइप का सम है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें थीटा को जेड के टर्म्स में लाना है, डी थीटा भी रहेगा उसको जेड के टर्म्स में लाना है, फिर हमें पोल्स फाइंड करना है, फाइंड पोल्स पोल्स एंड इट्स ऑर्डर, लोकेट द इनसाइड पोल्स, फिर हमें एक एक टर्म पे रेसिड्यू ईच पोल पे रेसिड्यू फाइंड करना है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू, जैसा कि हमने कॉची कॉची के बेस्ड थियरम में हमने किया है। सो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो ये एग्जांपल है 0 to 2 पाई f cos थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा। पहले ये समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स
आने चाहिए कि जेड इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू आई थीटा, ये हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई थीटा। अगर यहाँ पर यूनिट सर्कल की बात हो रही है तो आर की वैल्यू 1 होगी और डी जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई थीटा इंटू आई डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इज इक्वल्स टू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आई जेड। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन टू आई, जेड माइनस जेड इनवर्स अपॉन टू आई, कॉस थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन टू, जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन टू। सो ये एक बेसिक्स है जो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ईजी है, थोड़ा एप्लीकेटिव है, बस हमें डेरिवेटिव्स का थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए। सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इवेल्यूएट यूजिंग रेसिड्यू थियरम 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। अब ये थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है और हमें जेड के फॉर्मूलाज पता है, तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डी थीटा को हम डी जेड अपॉन आई जेड लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि डी थीटा को हम डी जेड अपॉन आई जेड लिखेंगे, तो हमने तुरंत इसको डी थीटा को डी जेड अपॉन आई जेड लिख दिया। अब 5 प्लस 4, अब कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को हम यहाँ पर कॉस थीटा के को जेड के टर्म में करेंगे, तो जेड जेड प्लस, फिर हम यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड से रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा को, जैसा कि हमने यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड अपॉन 2, तो जेड 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 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने अप्लाई किया जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब डी जेड अपॉन आई जेड, अब डी जेड अपॉन आई जेड, अब 5 प्लस, इसको मैंने एलसीएम के मेथड से मैंने एक अपॉन में सम लाया, यहाँ पर 2 जेड इंटू 10 10 जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड, फिर मैंने 1 अपॉन 2 आई को कॉमन निकाला, डी जेड अपॉन 4 जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड प्लस 4 के टर्म में लेके आया। मुझे यहाँ पर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी के बेसिक्स को यूज करना होगा, कि जहाँ की यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो अब अभी हमें ये पता है कि हमें अगर ये रूट सॉल्व करना है तो ये आएगा ही आएगा, तो 1 अपॉन 4 आए डी जेड, अब यहाँ से हमने 2 आपस से कॉमन लिया है, तो डी जेड अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 2। फंक्शन हैज पोल एट जेड इज इक्वल्स टू माइनस 2 और जेड इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, दोनों ही का ऑर्डर 1 है, तो हमने पहले ये यूनिट सर्कल है तो हमने एक पहले ड्रॉ कर लिया सर्कल, तो जेड इज इक्वल्स टू माइनस 2 आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर रेसिड्यू एट जेड इज, तो यहाँ पर रेसिड्यू माइनस 2 पे 0 आ गया। अब माइनस 1 अपॉन 2 पे कैलकुलेट करना है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का पोल होने के कारण हमने यहाँ पर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंड्स टू पोल जेड 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 माइनस पोल इंटू फंक्शन डेरिवेटिव भी किया हुआ डी अपॉन डी जेड एन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 सॉरी जेड माइनस पोल इंटू एफ ऑफ जेड, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने उसे सिंप्लीफाई किया है। फिर कॉची का थियरम लगाया हमने, क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन 3 आई, आई आई कैंसल और देयरफॉर आंसर हमें 2 पाई अपॉन 3 मिला। तो ये हमारा था फिफ्थ टाइप का फर्स्ट फंक्शन पे बेस्ड जो सम है, फिफ्थ टाइप में जो कॉस थीटा और साइन थीटा पे बेस्ड सम है वो। अब हम सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, जहाँ की पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल और क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है। तो पहले तो हमें सेमी सर्कल कंसिडर करना है, जैसे कि हमने टाइप 4 में भी किया, जो कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बेस था। अब हम कन्वर्ट एक्स टू जेड, जैसे कि हमको जैसे हमने टाइप 5.1 में देखा कि हमें कैसे जेड और थीटा को कन्वर्ट करना होता है, वैसे ही हमें कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड, क्योंकि यहाँ पर हमें थीटा ना देके एक्स दिया रहेगा जो कि एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हियर टिप, यहाँ पर एक टिप रहेगा कि हियर मल्टीप्लाई बाय जेड बोथ द सेट,
तो यहाँ पर हमें जेड से मल्टीप्लाई बोथ द साइड करना है, फिर फाइंड रेसिड्यू एट ईच पोल। तो यहाँ पर हमें ईच पोल पे एक रेसिड्यू फाइंड करना रहेगा, और फिर बाद में हमें कॉची के जो थियरम है या एप्लीकेटिव है बेस्ड, इसके लिए यहाँ पर हमें कॉची के इस थियरम को अप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 पाई आई, क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। सो अब हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये इसका एग्जाम्पल है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। अब हमें ये जेड से मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है, तो जेड एफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z+z टेंस टू इन्फिनिटी एज जेड टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमने इसके इक्वल्स टू 0 किया और पोल कैलकुलेट किया। अब रेसिड्यू हमें एक एक ईच पोल पे निकालना है। तो जैसा कि हमें हमें एन की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, और लिमिट जेड टेंस टू पोल d अपॉन डी जेड जेड माइनस 1 द होल स्क्वायर टेंस टू जेड माइनस पोल द होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ जेड। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको यू यू अपॉन वी अप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली 9i-12/100। अब हमें जेड इज इक्वल टू -1+i पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने जेड टेंस टू पोल जेड माइनस पोल एफ ऑफ जेड किया है, यहाँ पर 1/n-1 की वैल्यू फिर से 1 है। फिर हमें यहाँ पर रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू -1+i टू लिमिट जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1z+1+i, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमें वैल्यू 3-4i/25 मिली। अब यहाँ पर हमें रेसिड्यू के थियरम को अप्लाई करना है कि डी ए इज इक्वल टू 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू विच इज इक्वल टू 2 पाई i 9i-12/100 प्लस 3-4i/25। फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 7 पाई/50 आंसर मिला। तो ये हमारा था 5.2 का टाइप। सो अब हम अपने लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि थर्ड टाइप है, फिफ्थ टाइप का, जो कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस mx φx dx और साइन m of x इज इक्वल अपॉन φx dx। कॉस और साइन के टर्म में जो अगर माइनस इन्फिनिटी टू टू इन्फिनिटी दिया है, जो कि फर्स्ट टाइप है, जो कि यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइप देखा इसमें साइन और कॉस दोनों ही साइमल दिया रहेगा 0 to 2 पाए, और यहाँ पर टाइप 3 में हमें कॉस एम एक्स अपॉन पॉलिनोमियल दिया होगा और साइन एम एक्स अपॉन पॉलिनोमियल दिया होगा। तो ये एक टिप है कि कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है दोनों टाइप में। फिर हम कंसीडर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कॉन्टोर e raise to i z f z, ये हमें कंसीडर करना है पहले। तो सबसे पहले ये एक स्टेप, पहला स्टेप है। फिर कंसिडर सेंटर एट ओरिजिन इन अपर हाफ, जैसे कि आप हम हमेशा अपर हाफ कंसिडर करते हैं, अपर हाफ लेंगे। फिर फाइंड पोल्स एंड रेसिड्यू एट ईच पोल, फिर एक 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 पोल पे हमें रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। फिर कॉची के थियरम को अप्लाई करना है, जैसे कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू इक्वेट रियल पार्ट एंड डिफ्रेंशिएट। फिर जैसे कि हमें अगर पूछा रहेगा कि अगर हमें कोई स्पेसिफाइड इफ आस्क टू कन्वर्ट इन साइन, और ये जो लास्ट का पार्ट है, अगर इसे हमें साइन के कॉस टू साइन अगर कन्वर्ट करना होगा तो ही डिफ्रेंशिएट करना है, वरना यहाँ तक सम ऑफ रेसिड्यू करके छोड़ देना है, जैसे कि हमने हमेशा किया है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 to infinity कॉस mx mx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेड्यूस दैट 0 to infinity x साइन mx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/2 e raise to -mx। सो ये एक क्वेश्चन है। तो हम पहले एफ जेड इज इक्वल टू कॉन्टोर e raise to imz
एफ ऑफ जेड ये नहीं लिखेंगे, वेर एफ ऑफ जेड इज क्वेश्चन। सो अब हमें पहले पोल कैलकुलेट करना है कि हमें पोल क्या होगा। तो हमने पोल कैलकुलेट किया, यहाँ पर ए आई और माइनस ए आई पोल्स मिलेंगे। अब हमें रेसिड्यू एट ईच पोल कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि ये ऑर्डर वन है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर जेड माइनस ए आई ई रेस टू आई एम जेड अपॉन जेड माइनस ए आई जेड प्लस ए आई इज इक्वल माइनस इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एम ए अपॉन टू ए आई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जेड माइनस ए आई जेड माइनस ए आई कैंसिल होने के बाद हमें ये वैल्यू मिली। अब हमें क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने कॉची के थियरम को हमें अप्लाई करना है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। अब सम ऑफ रेसिड्यू करने के बाद हमें जैसे कि भी यहाँ पर इमेजिनरी टर्म भी मेंशन है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई ए ई रेस टू माइनस एम ए कंसिडर करने के बाद हमें ये मिलेगा। फिर हमने अगर डेड्यूस, जैसे कि इसमें कहा गया है कि हमें डेड्यूस करने का है इक्वेशन, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसको हमने डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म में लाया है और पाई बाय टू इंटू ई रेस टू माइनस एम ए मिला। सो ये था हमारा टाइप 5.3। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द ओबी सॉल्यूशन। प्लीज 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 लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैविंग एक्सटर्नल टेंशन अबाउट द एग्जाम, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द ओबी सॉल्यूशंस। थैंक यू गाइस।